हेलो एवरीवन, तो आप सबका मेरी इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। जी हाँ गाइस, इस बाइक के बारे में न्यू फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं, जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो बाइक है फुल्ली अच्छे तरीके से हमें दिख रही है। इस पर किसी भी तरह की कोई बैजिंग, कोई नेम, कोई कंपनी नेम, कोई बाइक नेम कुछ भी नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रो बाइक है जिसमें आपको सीट दिख रही है, इंजन दिख रहा है, एक ब्लैक कलर बाइक दिख रही है, लाइटिंग दिख रही है, टायर्स दिख रहे हैं। तो ये फुल्ली रो बाइक है। क्या ये एक फाइनल बाइक है? क्या इसमें हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है? क्या यही बाइक हमें मार्केट में देखने को मिलेगी? क्या सिर्फ यही देखने को मिलेगी? इसमें हमें कुछ और भी वेरिएंट्स या चेंजेस देखने को मिलेंगे? इस बाइक के बारे में फुल्ली डिटेल आपको मैं दूंगा। और बाइक कब लॉन्च होगी? जी हाँ गाइस, इस बाइक की न्यू लॉन्च डेट आ चुकी है, तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि इसमें हमें क्या लॉन्च डेट देखने को मिलने वाली है, क्या इसमें चीजें देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त केवी, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो अभी हाल ही में इस बाइक को जो है देखा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल रो बाइक देखी जा रही है, कोई स्टिकर कोई बैजिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइक है फुल्ली तैयार है, बट अभी कंपनी इसका कुछ भी जो लुक्स है उसको रिवील नहीं कर रही, क्योंकि वो लॉन्चिंग के दौरान ही रिवील होगा। अगर लॉन्चिंग की बात की जाए तो लॉन्चिंग जो है पहले 12 मई की थी, तो वो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से डिले हो चुकी है। बट अभी जैसे कि है लॉकडाउन जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है कहीं कहीं जगह पे, तो कंपनी ने इसकी जो न्यू लॉन्च डेट है वो डिसाइड कर दी है। अगर मैं बोलूं तो 90% ही कंफर्म है, क्योंकि मैं फुल्ली कंफर्म कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मौके पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पिछली बार हुआ कोविड की वजह से जो है लॉन्च डेट डिले हो गई, तो ये हालांकि 90% कंफर्म आपको बोलूंगा। तो जो ये डेट है वो रहने वाली है लास्ट वीक ऑफ जून। जी हाँ गाइस, 25th ऑफ जून के बाद ये जो बाइक है लॉन्च हो जाएगी, 25th और 28th जून के बीच में जो बाइक है लॉन्च हो जाएगी। ये लॉन्च डेट जो है अभी कम निकल के सामने आ रही है। बात करें इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंजन जो है वो तो फुल्ली चेंज हो गया है। डुगडुग की आवाज आपको इस बार बहुत कम देखने को मिलने वाली है। काफी लोगों को है जो ये जो मॉडल है वो बहुत ही कम पसंद आ रहा है, उनको बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी सबसे पहली बात जो इसकी पहचान थी, इसकी आवाज, वही आपको जो है नहीं देखने को मिल रही है इस बाइक में। अगर मैं बात करूं, मैंने इस बाइक के ऊपर, इस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है इस बाइक के रिलेटेड, जब से बाइक की टेस्टिंग चल रही है, जिसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं वीडियोस बनाता आया हूं। उसमें 80-85% मुझे लोगों के कमेंट्स यही आए कि ये जो बाइक है फुल अगर चेंज कर दिया तो बहुत ही बेकार किया है कंपनी ने, क्योंकि पहले इतनी अच्छा मॉडल था, अब इसको बहुत हल्का कर दिया, इसका इंजन जो है बहुत रिफाइंड, मतलब इतनी कम साउंड, क्योंकि जो लोग हैं इसको पसंद ही क्यों करते थे, इसकी आवाज की वजह से। तो वही जो है अब इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वो पहले जैसा नहीं रहने वाला किसी भी हाल में, चाहे आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगवा ले। तो गाइस, अब मुझे नहीं पता कंपनी ने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, अब ये तो लॉन्च के बाद ही पता लगेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। बट अगर आप पुराना वेरियंट भी लेना चाहते हैं इसकी आवाज की वजह से, कि आवाज उसकी अच्छी है, तो आप वो भी लेना प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लॉन्च के बाद भी पुराना मॉडल आता रहेगा कुछ समय तक, फिर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको न्यू मॉडल लेना चाहिए या पुराने वर्जन को ही अपनाना चाहिए। तो अब हम बात करें इसके और फीचर्स के बारे में, हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इसके इंस्ट्रूमेंट जो कंसोल है उसमें आपको जो है फ्यूल इंडिकेशन इस बार देखने को मिल जाएगी, ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम इस बार देखने को मिल जाएगा, और लॉक अनलॉक के ऑप्शन आपको ऊपर ही की के पास देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं पहले राइट साइड में नीचे हैंडल की तरफ देखने को मिलती थी। तो ये चेंजेस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी थे आजकल के हिसाब से, टाइम जो उसका फ्यूल इंडिकेशन है वो तो देखने को मिलना ही चाहिए था कि फ्यूल कितना है कितना नहीं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि इसमें फ्यूल ही नहीं है, पता कैसे लगेगा कि फ्यूल है कि नहीं। तो ये चेंजेस इस बार इस बाइक में किए गए हैं। तो ये थी बातें इस बाइक के लॉन्च और इसके चेंजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है आपको 1,90,000 रुपीज जो है एक्सशोरूम देखने को मिलेगा, और ऑन रोड की बात करें तो आपको 2,10,000 से 2,15,000 के बीच में इसका जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।